तो मोदी यहाँ किस लिए आए हो, किस डर से आए हो? मुझे गोली मत मारिए, मैं अपने गुनाह कबूल करता हूँ। ये कहते हुए 25,000 इनामी बदमाश ने थाने में सरेंडर कर दिया। क्यों गए ना? दरअसल जब से यूपी में योगी सरकार दोबारा सत्ता में आई है, हर रोज किसी न किसी जिले से ऐसी खबरें आती हैं कि किस थाने में सरेंडर, उस थाने में सरेंडर। जब कोई अपराधी सरेंडर करता है तो वो अचानक आकर पुलिस के सामने सरेंडर करेगा, लेकिन यूपी में ऐसा हो गया है मानो थाने के गेट पर कोई पुलिसकर्मी 24 घंटे फोन में कैमरा ऑन करते वीडियो बना रहा होता है कि अपराधी सरेंडर करने आता ही होगा। अब आप इसी वीडियो को देख लीजिए, कैसे 25,000 का इनामी बदमाश आशीष बड़े आराम से हाईवे से नीचे उतरते हुए हाथ में तख्ती लिए हुए सरेंडर करने के लिए आता है और एक पुलिसकर्मी उसकी वीडियो बना रहा होता है। क्या आपको ये नौटंकी नहीं लगती, जानबूझकर बनाया हुआ वीडियो नहीं लगता? अगर कोई सरेंडर करने आएगा तो क्या पहले तख्ती पर प्रिंट कराने के लिए किसी फोटो स्टेट की दुकान पर जाएगा क्या कि आप प्रिंट करा लो, मैं 25,000 का इनामी बदमाश हूँ और गोली मारने के डर से सरेंडर करने जा रहा हूँ। उसके बाद वो थाने पर सूचित करेगा और कोई सिपाही उसकी वीडियो बनाएगा। इन दिनों पूरे यूपी में अपराधियों का ये ड्रामा जोरों पर है और इसमें हर जिले के अधिकारी शामिल हैं जो सरकार तक अपनी हनक दिखाना चाहते हैं। पहले आप सुन लीजिए कि सरेंडर वाला ड्रामा करने आए आशीष ने क्या कहा। विश्वकर्मा है, मेरे पिता का नाम समूह विश्वकर्मा है। हम नारायणपुर के रहने वाले, मिर्जापुर जिले के। मिर्जा मुराद वाली जो घटना पेट्रोल पंप वाली हुई थी, इसमें मैं और मेरे साथी थे और ये कैलाशपुरी मुगलसराय चाइनीज स्नैचिंग में मैं और मेरे साथी थे। कृपया मैं अपने आप को समर्पण करने आया हूँ, कृपया आप हमें गोली न मारे। अब ड्रामा कर रहा ये आशीष बड़े आराम से पीछे वाले हाईवे पर फरार भी हो जाता है, लेकिन इन जैसे अपराधियों को पुलिस या एसओजी वाले पकड़ कर लाते हैं और खुद ही सरेंडर का ड्रामा करवाने शूट करवाते हैं और मीडिया को या सोशल मीडिया पर डाल देते हैं। अगर यकीन नहीं होता तो आपको हम मैनपुरी जिले का ये वीडियो दिखाते हैं, जिसमें हाथों में तख्ती लेकर थाने पहुंचा प्रमोद नाम का आरोपी कहता है कि हम किसी डर से नहीं आए, हमें तो एसओजी उठा लाई है। प्रमोद, यहाँ किस लिए आए हो, किस डर से आए हो? जैसे ही प्रमोद कहता है कि बाबूजी एसओजी उठा लाई है, वैसे ही उसके पास खड़े इंस्पेक्टर साहब पीछे खींच लेते हैं, लेकिन ये बात कैमरे में रिकॉर्ड हो जाती है। फिर इनको एसपी साहब के पास तख्ती के साथ पेश किया जाता है और ये प्रचारित किया जाता है कि एनकाउंटर के डर से अपराधी सरेंडर कर रहे हैं। लेकिन प्रमोद जैसे लोग समय मिलते ही पुलिस के सरेंडर वाले ड्रामे की पोल खोल देते हैं, लेकिन अधिकारी भी योगी सरकार में कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए जय जयकार कर रहे हैं। आज दिनांक 5/4/2022 को एक सातर इनामिया 25,000 का अपराधी आशीष विश्वकर्मा, निवासी परसिया थाना अदलहाट मिर्जापुर, आत्मसमर्पण कर दिया। थाना अलीनगर में आत्मसमर्पण के पश्चात इससे गहराई से पूछताछ की गई, जिसमें इन्होंने दो घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है, जिसमें एक घटना मार्च महीने में वाराणसी के मिर्जा मुराद थाना अंतर्गत पेट्रोल पंप में लगभग 65,000 की लूट, और मार्च महीने में ही इसी वर्ष मुगलसराय में कैलाशपुरी शिव मंदिर पर चेन छिनैती किया जाना स्वीकार किया है। इससे और गहराई से पूछताछ की जा रही है, अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित। वहीं मैनपुरी के पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार राय कह रहे हैं कि लूट में शामिल अपराधी का पीछा जब पुलिस कर रही थी उन्होंने सरेंडर किया। कमोवेश यही ड्रामा पूरे यूपी में चल रहा है, अपराधी सरेंडर कर रहा है, हाथों में तख्ती, गले में तख्ती लेकर वो थाने आता है और पुलिस वाला कैमरा लेकर तैयार रहता कि अपराधी आ रहा होगा और मुझे उसकी वीडियो बनानी है। लेकिन आप यूपी के किसी भी जिले के अखबार उठा लीजिए, वो लूट, हत्या, बलात्कार जैसी खबरों से पटा पड़ा है, लेकिन सरकार को खुश करने के लिए अधिकारियों का सरेंडर ड्रामा जारी है। चंदौली से प्रदीप शर्मा और मैनपुरी से आशीष सक्सेना के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।